हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रंजना। आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी ये मटर आलू की सब्जी, बिना प्याज और बिना लहसुन के। इसके साथ बहुत टेस्टी ये बूंदी का रायता और मसाला पूड़ी, बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ये, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और झटपट तैयार होने वाला ये एकदम लंच के लिए परफेक्ट मेन्यू है। नॉर्मल घर के इंग्रेडिएंट से जब चाहें हम इसे बना सकते हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में बनाते हैं ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल का बहुत ही टेस्टी पूड़ी सब्जी और रायता। तो आइए मिलके बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पूड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूँ का आटा, इसमें आधा कप मैंने बेसन ऐड किया है और ये आधा कप ही मैंने इसमें नॉर्मल रवा ऐड किया है। तो आप पतला मोटा कोई भी रवा ले सकते हैं। तो इसमें हम अपने सारे जो नॉर्मल ड्राई मसाले होते हैं जो घर में इजीली अवेलेबल हैं उनका ही यूज़ है इस पूरी डिश में। तो नॉर्मल नमक, ये हींग, ये हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ही मैंने मिर्ची यूज़ की है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन, सौंफ, कसूरी मेथी। सौंफ को हमें थोड़ा दरदरा क्रश कर लेना है, तो आप इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं और हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। ये धनिया पत्ती है, तो अच्छे से हम थोड़ा सा ऑयल डालते हुए, इसमें 2 टीस्पून के करीब मैंने ऑयल यूज़ किया है। तो पानी की हेल्प से हम इसका पूरी जैसा डो तैयार कर लेंगे। देखिए आटा एकदम बढ़िया सा हमारा गूंथ गया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए थोड़ा रख देंगे ताकि सारे मसाले और अच्छे से हमारा आटा एकदम तैयार हो जाए। कपड़े से कवर करते हुए अब हम अपनी सब्जी की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, नॉर्मल ऑयल है ये, और इसमें मैंने लगभग 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो आलू को कट किया है थोड़े बड़े साइज़ में, और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इससे सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये आलू में मैंने हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर, और नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आलू रोस्ट हो गए हैं, देखिए ये हमारे कुरकुरे एकदम। तो अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं आलू मटर की। तो इसके लिए देखिए मैंने ये हल्दी ली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही चिली पाउडर, और इसमें 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। इसको थोड़े से पानी में घोल के हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो इससे क्या है, जब हम सब्ज़ी में डालेंगे तो ये जलते भी नहीं है मसाले, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून कुकर में। गर्म होने पे हम इसमें तेज पत्ता और दालचीनी, और ये जीरा 1 टीस्पून, और ये हींग, और अच्छे से इसको फ्राई करके हमने जो पेस्ट बनाया है ये ड्राई मसालों का वो हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही इजी ये रेसिपी है और एकदम हलवाई जैसी सब्ज़ी हमारी बनके तैयार होती है। ये टमाटर हैं, तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने पीस के उनका पेस्ट बना लिया है, वो हम ऐड कर रहे हैं, और इसको हम तेल छोड़ने तक अच्छे से मसाले को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा ढक के फ्राई करेंगे तो जल्दी फ्राई हो जाता है। और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है हमारा मसाला, और ये हमने जो आलू फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर लेते हैं हम। और ये मैंने 1 कप बॉयल्ड मटर है वो लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए और ये कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून, तो इसको हाथ से थोड़ा क्रश करते हुए वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और पानी जितना आपको चाहिए, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, लेकिन ये थोड़ा कम पानी इसमें पड़ता है, तो लगभग मैंने 1 से 1.5 कप के करीब ही इसमें पानी ऐड किया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसे 2 सीटी आने तक कुक कर लेंगे, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी कुकड हैं। तो ये देखिए सीटी आ गई, तो हमारी एकदम बहुत ही टेस्टी बिना प्याज और लहसुन की बहुत ही टेस्टी ग्रेवी की ये सब्ज़ी बनके तैयार है। इसमें ऊपर से मैंने हरी मिर्ची थोड़ा लंबा काट के, ये अदरक के टुकड़े बारीक कटे हुए लंबे, और ये हरी धनिया से इसको गार्निश किया है। बहुत ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है। अब बनाते हैं फटाफट बूंदी का रायता। तो इसके लिए मैंने आधा कप सोक्ड बूंदी ली है, इसको नॉर्मल पानी में सोक कर लिया था,
और ये आधा कप के करीब ही मैंने इसमें दही ऐड किया है, तो दही थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ज़्यादा ठीक लगे तो हम पानी ऐड कर लेंगे इसमें। और नॉर्मल एकदम मसाले जैसे हम रायता बनाते हैं, तो नमक इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें थोड़ा जीरा पाउडर, ये मिंट पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है जो कि नॉर्मल पुदीने को सुखा के घर में बनाया गया है, ये चाट मसाला, जीरा पाउडर और ये हरा धनिया। एकदम रायता भी हमारा बनके तैयार हो गया है, झटपट बनने वाला ये पूरा लंच का मेन्यू हमारा। तो फटाफट गरम गरम पूड़ियाँ हम तल लेते हैं। तो ये आटा एकदम हमारा सॉफ्ट और बहुत बढ़िया हो गया है, एकदम पूड़ी के लिए परफेक्ट। इससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता ये पूड़ियाँ बनती हैं, थोड़े से ऑयल की हेल्प से हम रोटी से के बराबर से थोड़ा सा छोटा या बराबर डो लेते हुए इसको थोड़ा, क्योंकि हमें मोटा बेलना है पूड़ी जैसा, हम एकदम इसको गोल बेल लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इन पूड़ी को तल लेंगे। तो ये बहुत ही फेमस पूड़ियाँ होती हैं, मसाला पूड़ी, आप इसे खाली भी खा सकते हैं। गुजरात में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, लेकिन वहाँ इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। बच्चों के लंच के लिए, टिफ़िन के लिए बहुत ही परफेक्ट ये पूड़ियाँ हैं। तो देखिए एकदम कुरकुरी, बहुत ही खस्ता ये पूड़ी बनके तैयार हुई है। ऐसे ही हम बाकी की सारी पूड़ी तल लेंगे और एकदम परफेक्ट हमारा लंच तैयार है। आलू मटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी, पूड़ी और बूंदी का रायता, बहुत ही टेस्टी ये कॉम्बिनेशन है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपीज़ फ्रेंड्स, अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें मेरा पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।